नीति के थे। मैंने कहा था ना कि वो नाटक कर रही है, लेकिन किसी को भी मेरी बातों पर भरोसा नहीं था। मैं अपना प्यार, अपना पति, सब कुछ वापस लेकर रहूंगी। इस घर में चाहे परी हो या ताई जी, दोनों ने ही मुझसे मेरा चैन और सुकून छीन लिया। इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगी उन दोनों को। इस बार किसी की जान लेने की कोशिश भी नहीं करूंगी, लेकिन जो प्लान मेरे दिमाग में चल रहा है उसे अप्लाई करने का वक्त आ गया है। ताई जी के सामने आई नीति की असली सच्चाई, राजीव के लगी चोट। शो की कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि किस तरीके से ताई जी को नीति पर शक था कि वो जो है शादी के लिए इनकार कर देगी, लेकिन यहाँ पर जब नीति शादी के लिए हामी भर देती है तो ताई जी जो है और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती हैं और भी ज्यादा कोशिश करने में लग जाती हैं। ताई जी को फोटो हाथ लगती है परी की फटी हुई। नीति कितने, मैंने कहा था ना कि वो नाटक कर रही है, लेकिन किसी को भी मेरी बातों पर भरोसा नहीं था। मैं अपना प्यार, अपना पति, सब कुछ वापस लेकर रहूंगी। इस घर में चाहे परी हो या ताई जी, दोनों ने ही मुझसे मेरा चैन और सुकून छीन लिया। इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगी उन दोनों को। इस बार किसी की जान लेने की कोशिश भी नहीं करूंगी, लेकिन जो प्लान मेरे दिमाग में चल रहा है उसे अप्लाई करने का वक्त आ गया है। जिसके बाद ताई जी को लगता है कि भला ऐसा कौन कर सकता है, फिर उनका शक जाते हैं नीति पर। देखा जाए तो ताई जी का शक सही साबित हो रहा है। जहां पर राजीव के चोट लग जाती है, उसे सब लोग घर लेकर आते हैं, तो यहीं पर ताई जी पूछती है नीति कहाँ है, और नीति वहां पर मौजूद नहीं होती, बल्कि नीति एक कमरे में होती है। और हमें दिखाया जाता है कि नीति जो है उसकी याददाश्त गई ही नहीं है, बल्कि वो परी ताई जी का पागल बना रही है। और जिस तरीके से ताई जी को बार बार नीति पर शक हो रहा है, तो यहाँ पर नीति भी उनके साथ उसी आधार पर खेल रही है। नीति ने अब जो है अपना चेहरा ऑडियंस को दिखा दिया है, जिससे ये साफ होता है कि नीति की याददाश्त नहीं गई थी, बल्कि वो सच में ड्रामा ही कर रही थी। ऐसे में परी भी नीति के मुंह से सुनती है कि हमें तो बहुत लोग कहते थे कि तुम दोनों कभी अलग नहीं होना, इनफैक्ट तुम तो एक ही मुंडे से शादी कर लो ताकि हमेशा साथ रहो। परी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती नीति की। दूसरी तरफ राजीव का एक्सीडेंट हो जाता है, राजीव की इतनी चोट लग जाती है। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय बताइए और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।